लगातार पड़ रही प्राकृतिक आपदा किसानों पर भारी पड़ रही है। बात अगर धान उत्पादक किसानों की करें तो इस वर्ष धान उत्पादक किसानों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। पहले ही जहां किसानों की फसल अज्ञात बीमारी व बेमौसमी बरसात की भेंट चढ़ गई थी, वहीं अगर आज की बात की जाए तो ज़िले में 78% बरसात का जो आंकड़ा है वो रादौर में दर्ज किया गया है। मसलन सबसे ज़्यादा नुकसान अगर की बात की जाए बरसात से तो रादौर क्षेत्र के किसानों को झेलनी पड़ी है। बरसात से जो खड़ी फसल थी वो गिर गई है और काफ़ी फसल जो है बर्बादी के कगार पर पहुंच गई है, जिससे उसकी गुणवत्ता काफ़ी प्रभावित होगी। अगर बात रादौर अनाज मंडी की ही कर लें तो वहां पर भी सैकड़ों एकड़ जो फसल है वो खुले में पड़ी थी और आज बरसात की भेंट चढ़ गई। पहले ही किसानों की कमर टूटी पड़ी थी और ये बारिश आने से इतना नुकसान हुआ है। और बेसिकली मैं अगर अपने रादौर एरिया की बात करूँ, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बरसात, खेत लबालब पानी के भरे खड़े हैं, जैसे ऐसे लगता है खेतों में दोबारा जीरी लगा ली जाए। पहले तो संभली नहीं, लेकिन इतना नुकसान कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा इतना नुकसान हुआ। पहले ही बीमारी से टूटे हुए थे किसान, पहले भी बारिश पड़ी थी और अब ये बारिश आफत की बारिश बन के आई है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत ही ज़्यादा। और काफ़ी खस्ता हो रही है, पानी हो रहा है। मंडी में भी देखोगे, मंडियों में भी फसलें ऐसे ही पड़ी हैं, किसानों की सारी भीग चुकी हैं, सारी बह चुकी हैं। और मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि जिन किसानों का भी इतना नुकसान हुआ है तो उसको जल्द से जल्द गिरदावरी करा के ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए, मैक्सिमम मुआवजा दिया जाए, ताकि किसानों को नुकसान से भरपाई हो। पहले भी खराब हुई फसलें, कुछ अभी की खराब नहीं। मतलब हम तुम्हारे घर बैंक वाले में तंग कर रही बार बार, पैसे उनके कर्जा देने हमने भी हमने परेशान करी, चिट्ठियाँ भेज रही हमारे पास, मतलब हम कहाँ से भरा कर्जा। नहीं सरकार पर हमने सोचा भी कुछ ना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मौजा मिले जा मिलना चाहिए हमने जी। अगर धान की फसल की बात की जाए तो इस पर किसानों को कुछ पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ता जी, वो तो लागत भी गलत पड़नी पड़ी हमारे, वो भी अपने जेब से भूखा लोग मारी आ गई जी, छोटे बड़े पड्डे गए फिर कुछ लिख रहे खेत में, अब बरसात ने मार दी लास्ट में आने जो थोड़ा घना बच रहा था, बस बता हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। इस सरकार से हमने भी आज भी जो ज़्यादा से ज़्यादा मर्द मौजा मिल जाए तो फायदी है हमने कुछ। ऐसे में जो प्रभावित किसान हैं उन्होंने सरकार से अब उचित मुआवजे की मांग की है, ताकि उनका फसल पर लगाया गया खर्च कम से कम वो तो पूरा हो ही जाए।